बिहार में सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में सीबीआई की टीम के द्वारा घोटाले की किंगपिन स्वर्गीय मनोरमा देवी के पुत्र अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया के संपत्तियों पर कोर्ट के द्वारा जारी 82 का नोट चस्पा किया है। 20 दिसंबर को कोर्ट में दोनों आरोपियों को हाजिर होना था, लेकिन दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वहीं आज तिलका मांझी स्थित न्यू विक्रमशिला कॉलोनी में इनके 3 मकानों पर नोटिस सीबीआई के द्वारा ढोल बजाकर साटा गया। अब इसके बाद 83 का नोटिस साटा जाएगा, जिसके बाद इनकी संपत्तियों को अटैच करने का आदेश कोर्ट से मिलने के बाद सीबीआई इनकी संपत्ति को अटैच कर देगी। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के पर्वती मोहल्ले में ठगी का शिकार हुए युवकों ने ठग को पकड़ लिया। वहीं युवकों ने ठग को पुलिस के हवाले कर दिया। ठगी का शिकार हुए युवकों का कहना है कि बेगूसराय के रहने वाला इंदर कुमार ने 2 दर्जन से अधिक छात्रों को मेडिकल में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 से 25 हजार रुपए लिए थे और युवाओं को ट्रेनिंग के लिए पटना और मोतिहारी ले गया था। वहां 15 दिनों तक एक रूम में रखता था और ट्रेनिंग के नाम पर एक कॉलेज के रूम में ले जाता था, लेकिन जब युवकों ने नौकरी दिलाने की बात कही तब ठग के द्वारा इसमें दूसरे युवकों को जोड़ने की बात कहा जाने लगा। इसके बाद सभी युवक वहां से घर आ गए और आज ठग फिर से इनके मोहल्ले में अन्य युवकों को नौकरी का झांसा दे रहा था, तब ठगी का शिकार हुए युवकों ने इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हम लोग को झूठ बोल के वहाँ पटना मोतिहारी बुलाया गया, सबसे 22-22 हजार रुपया लिया गया है, बोला गया है तो मेडिकल का पढ़ाई होगा, इसमें 22-22 हजार रुपया लगेगा, फिर 60 साल के लिए सबका नौकरी फिक्स हो जाएगा, 30-30 हजार रुपया वेतन मिलेगा महीना, कुछ भी होगा वो सबका झूठा बहकाया के बुलाया गया हम लोग को, हम सबसे 22-22 हजार रुपया लिया है पैसा। कितने आदमी का लिया है? कितना हम सब का लिया? टोटल वहाँ तो बहुत आदमी है, हम लोग का यहाँ पे पर्वती का घर हुआ तो यहाँ से हम लोग का लिया गया है। होगा 22 दिन ट्रेनिंग खत्म होगा उसके बाद तुम लोग का पैसा चालू हो जाएगा, लेकिन 22 दिन ट्रेनिंग का ऐसा कोई बात ही नहीं। हम लोग को सुबह 5 बजे उठाया जाता था, 5 बजे से लेके हम लोग को 10 बजे तक एक जगह है वहाँ कॉलेज है वहाँ ले जाया जाता था, वहाँ नीचे में बैठा के वहाँ क्लास होता था। हम लोग को बताया गया कि वहाँ जो है हम लोग का बताया जाएगा कि कैसे कैसे तुम लोग को ट्रेनिंग लेना है, कैसे बताना है कि ये काम करना है, लेकिन ऐसा कोई बात वहाँ थे भी नहीं किया, सिर्फ हम लोग को झूठा झूठा दिलासा दिला के लिया। फिर जब हम लोग एक दिन घुसिया गए कि सर अब नहीं रह सकते हम लोग, अब हम लोग को घर जाना है, हम लोग को प्रमोशन दिलाइए या हम लोग घर चले जाएंगे, तब हम लोग को बताया गया उसी दिन कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये काम है सिर्फ, और एक लड़का को और बुलाओ, तुम 2 को बुलाओगे तब तुम्हारा प्रमोशन डन होगा, फिर वो 2 को बुलाएगा तब तुम्हारा प्रमोशन डन होगा, फिर जैसे जैसे आदमी बढ़ता रहेगा तुम्हारा पैसा बढ़ता रहेगा, और आदमी जहाँ वहाँ पे शुरू किया या आदमी घर चला गया अपने तो पैसा खत्म वहाँ पर से तुम्हारा। हम लोग अभी जितना आदमी तो वहाँ बहुत है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जितना लड़का सबका पैसा लिया गया, हम मेरा 20 हजार लिया गया, इसका 25 हजार लिया गया, इसका 18 हजार लिया गया, सबका अलग अलग पैसा लिया गया। मेरा नाम सैफ हुआ, बोला जाता है कि जितना कम भी अगर पैसा मिले तो उसको भी उठा लो, सबको यहाँ देख लेंगे हम लोग, यहाँ सिर्फ टाइम दो, अगर 6 महीने टाइम दोगे तो तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारा इतना नाम हो जाएगा कि तुम भी सोचो कि हम कई ऐसे जगह आए हैं कि जहाँ हम अपने आप को बहुत ऊपर कर लिए। बोलता है KTM मिल जाएगा, ड्यूक मिल जाएगा, सब मिल जाएगा तुमको, सिर्फ तुम यहाँ रहो और यहाँ रह के मेहनत करो, सिर्फ 6 महीना मेहनत करो, 6 महीने के बाद तुमको ऐसा महसूस होगा कि हम सही जगह आए। और जो भी नया नया लड़का आता है सबसे ये बात पूछा जाता है हर 2-3 दिन में, यहाँ आके कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि हम बहुत अच्छे जगह आए हैं। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत केबीलाल रोड में बीते साल 14 सितंबर की रात सिल्क कारोबारी मोमिन टोला निवासी अफजल अंसारी की सरेआम हत्या के मामले में कांड में पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी इरशाद हुसैन को ट्रांजिट रिमांड पर रविवार सुबह भागलपुर लाया गया था। वहीं सोमवार को नाथनगर रेफरल अस्पताल में मेडिकल जाँच के बाद उसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि भागलपुर पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर बीते शुक्रवार को आरोपी इरशाद को पश्चिम बंगाल के वर्धमान थाना क्षेत्र के दुबराज दिग्घी से गिरफ्तार किया था। अफजल हत्याकांड में पूर्व में 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि 1 ने कोर्ट में सरेंडर किया था। पूर्व में इरशाद हुसैन के घर की पुलिस कुर्की भी कर चुकी है और आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी लोकसभा क्षेत्रों से भाजपा का सफाया हो जाएगा।
उपरोक्त बातें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में नौगछिया के खगड़ा स्थित एक निजी होटल में कहा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में समाज के सभी वर्गों के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, खासकर युवाओं, महिलाओं व मजदूरों का झुकाव कांग्रेस की ओर हुआ है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की वापसी निश्चित है। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद देश में नफरत व घृणा की राजनीति के खिलाफ, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि आज बिहार में यात्रा का पांचवा दिन है। भागलपुर को भाजपा की धरती कहा जाता है, परंतु जिस तरह यहां से मां बहनों द्वारा टीका लगाकर भारत जोड़ो यात्रियों का स्वागत किया गया, वह हम लोगों के लिए उत्साहित करने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के आग्रह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की और हम लोगों को प्रसन्नता है बिहार प्रदेश कांग्रेस को कि पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आग्रह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने हरी झंडी दिखाकर हम लोगों की यात्रा की शुरुआत की, बल्कि वो अपने प्रदेश में भी हरी झंडी नहीं दिखाने के, और जिस तरह का स्वागत हुआ उसके लिए सभी कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और बांका जिले के साथियों का भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ आगे की भी जो यात्रा है उसी तरह का अपार समर्थन और स्नेह प्रेम हम लोगों को मिलेगा। कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ, विशेषकर राहुल जी की तरफ, जिस तरह से युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का आकर्षण बढ़ा है, उससे मुझे निश्चित रूप से लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को बिहार में भी हासिल करेगी और देश में भी। आधुनिक भाग दौड़ भरी जिंदगी में धन संपत्ति के लोभ में रिश्ते में दरार आ रही है। जिस माता पिता ने अपनी खुशियां का त्याग कर जीवन भर लाड प्यार और बच्चों की परवरिश कर उन्हें मंजिल तक पहुंचाया, बड़ा आदमी बनाया, वही संतान अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे रहे हैं। जीवन की धूप छांव में माँ बाप तमाम कष्ट झेलकर बच्चों को हर खुशियां देते हैं, लेकिन वही बच्चे अब माता पिता को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। इनमें निम्न से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग के परिवार शामिल हैं। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर बेटा बहू ताना देते रहते हैं। कभी दवा को लेकर, कभी अच्छा खाना नहीं मिलने की बात पर लड़ाई झगड़ा होना आम बात हो गई है। घर में नाती पोते को भी अनुभवों का खजाना समेटे बुजुर्गों से दूर रखा जा रहा है। जीवन भर बच्चों को प्यार देने वाली माँ बाप प्यार के दो बोल सुनने को तरस जाते हैं। जमीन जायदाद मकान देने के बाद भी बच्चे बुजुर्गों का अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं, लिहाजा उन्हें अपमानित कर घर से बेघर कर दिया जाता है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर इन्हें मजबूरन वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है। अधिकतर बुजुर्गों के बच्चे उनके खोज तक करने नहीं आते। बिहार सरकार की सहारा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है। पटना के उमंग बाल विकास सोसाइटी के कर्मियों के द्वारा भागलपुर में वृद्धाश्रम का संचालन हो रहा है। भागलपुर जिले के सरमसपुर स्थित वृद्धाश्रम में कुल 30 बुजुर्ग जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ बंगाल सहित आसपास के जिलों के बुजुर्ग रह रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्कर शराब की तस्करी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा शराब की खेप पकड़े जाने के बाद भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस और उत्पाद विभाग को चुनौती देते हुए लगातार शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज औद्योगिक थाना क्षेत्र के झरखुरिया के पास पुलिस ने टेम्पू के तहखाने में छुपा कर ले जा रहे शराब से भरी एक टेम्पू को पकड़ा। जांच के क्रम में टेम्पू में तहखाना बनाकर 270 बोतल विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया, जबकि टेम्पू में बैठा ड्राइवर और शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस टेम्पू को जब्त कर उसके मालिक का पता करने में लगी हुई है, जिससे शराब तस्करों तक पुलिस पहुंच सके। भागलपुर के सुल्तानगंज के कुम्हार गली में लालपीर बाबा दरगाह में दो चोर द्वारा दान पेटी से चोरी करने पर सुबह चोर द्वारा चोरी की गई रुपये के साथ ग्रामीणों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोर की पिटाई कर दी और पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को थाने ले गई। चोर की पहचान घाट रोड के तांती टोला के रहने वाले गुलशन कुमार के रूप में हुई है।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आयशा के छात्र संगठन के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने आगजनी कर घंटों कार्य बाधित किया, साथ ही प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आगजनी के बाद पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी प्रदर्शन स्थल पहुंची, साथ ही स्थानीय विश्वविद्यालय थाना की पुलिस प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। आयशा छात्र नेता परवीन सिंह कुशवाहा ने कहा कि पार्ट वन के प्रमोटेड छात्रों को फॉर्म भराकर पार्ट थर्ड का एग्जाम देने दिया जाए, क्योंकि अभी पार्ट टू का एग्जाम जारी है और पार्ट थर्ड का एग्जाम होने वाला है और यह सभी छात्र पार्ट वन के प्रमोटेड है। इसलिए हमारी मांगे हैं कि प्रमोटेड छात्रों को पार्ट थर्ड का फॉर्म भरने दिया जाए, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो यह प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। भागलपुर की जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से असहाय व जरूरतमंद लोगों के बीच लगातार कंबल का वितरण किया जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में लगातार कंबल वितरण के तहत आज साक्षक थाना के सामने 30 असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण का काम किया गया। ठंड के बढ़ते मौसम में गरीब व असहाय की परेशानियों को देखते हुए समय पर सोसाइटी द्वारा मदद पहुँचाई जा रही है, जो काफी सराहनीय है। कड़ाके की ठंड में असहायों की सेवा ही मानवता की सेवा है। सोसाइटी अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि सोसाइटी हमेशा लोगों की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करती है। वितरण कार्यक्रम के दौरान 30 बुजुर्ग वृद्ध व जरूरतमंद लोगों को कंबल दिया गया। मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के अलावे महिला प्रकोष्ठ की सचिव आभा पाठक, रूपा शाह, सचिव यादव सोमेश, राज सिंह, रजनीश कुमार के अलावे कई अन्य लोग मौजूद थे। आज का कार्यक्रम, जैसा कि महिला सदस्य ने बताया कि कंबल वितरण का कार्यक्रम है और कंबल वितरण का जो आर्थिक पहलू है वो बहुत लोग डोनेट करते हैं, कोई 1, 2, 5 करके संस्था में पहुँचा जाते हैं, कुछ हम लोग अपना भी लगाते हैं संस्था के लोग, तो इस तरह से हम लोग अभी तक 300 कंबल बांट चुके होंगे और ये कारवां डिफरेंट मोहल्ले में, गरीब बस्ती में हम लोग करते हैं। सभी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, जब ज़रूरत बहुत लोगों को हो लेकिन उतना नहीं दे पाते हैं, उसी पर जो गरीब हैं, वृद्ध हैं, उसको तक हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पहुँचाएँ। आज हम लोग 30-35 कंबल हम लोग करीब बांटे हैं यहाँ, और कुछ लोग को हो सकता है कि हम लोग पीछे से पहुँचाएँ, ये हम लोग फिर कोशिश करेंगे आने का, अभी वादा नहीं कर रहे हैं लेकिन कोशिश करेंगे। मेरा आभा पाठक और हम लोग डॉक्टर अजय सर का ये अध्यक्ष का ये सोसाइटी है और सारे लोग इसमें सहयोग देते हैं, बहुत शहर के बड़े बड़े आदमी उनको देते हैं, हम लोग सब मिलके बांटते हैं, सब कोई देते हैं, बड़े बड़े आदमी, डॉक्टर सर, बहुत सब कोई शहर के और भी सब रहते हैं, हम लोग को बांटने के लिए, डोनेट करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से कंबल वितरण किया, ये हम लोग बिकनपुर इसाचक थाना के सामने किया और काफ़ी लोगों को किया, 30 से 40 लोगों को किया, और ये हम लोग सालों से कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरतमंद तक हम लोग पहुंच सकें।